सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान चंद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में कहना मुझे आपसे यह है कि मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। आप भी अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना बिल्कुल ना भूलिएगा और उन्हें उम्र भर की मासूरी से बचा लीजिएगा। और हाँ, सबसे अहम बात कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हिचकिचाते हैं या किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार हैं, तो उन्हें समझाइए और कायल कीजिए कि ये उनके बच्चों की सेहतमंद जिंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और खेल के मैदान से खबर मुझे आपको ये देनी है कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि काउंटी क्रिकेट खेलने का फायदा डोमेस्टिक सीजन में भी जरूर होगा। बायो सिक्योर बबल में रहना मुश्किल था, लेकिन सब खिलाड़ी एक फैमिली की तरह रहे हैं। मजीद क्या कहते हैं बिलाल अकील रिपोर्ट में बताएंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड से वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पेसर ने कहा कि इंग्लिश काउंटी में अच्छा परफॉर्म किया, कोशिश होगी डोमेस्टिक में अपनी कारकर्दगी बरकरार रखूं। इंग्लैंड में बायोसिक्योर बबल में कयाम मुश्किल था, लेकिन तमाम खिलाड़ी इकट्ठे रहे और एक दूसरे का ख्याल रखा। लड़कों ने एक साथ फैमिली की तरह रह के हमने क्रिकेट खेली, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे हुए। तो यही है कि इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड और आगे सोच रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे हमारी सीरीज आएगी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह। शाहीन अफरीदी ने मजीद कहा कि हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो मुल्क के लिए खेले। तीनों फॉर्मेट में टीम की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, जिसके लिए फिटनेस पर काम कर रहा हूँ। कोशिश तो यही है कि जितना मैं फिट रहूँ पाकिस्तान के लिए खेलूँ उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के लिए मेरी कोशिश यही है कि अपनी फिटनेस पे तवज्जो दूँ और आगे शॉर्ट गोल्स लाइक जो टूर्नामेंट में आया है उसको भी फोकस करूँ। फास्ट बॉलर ने मुल्क में PSL और डोमेस्टिक सीजन के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। बिलाल अकील, लाहौर न्यूज। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है, जबकि दूसरी जानिब खेल के मैदान से मेरे पास खबर यह है कि खातिन को अपना बचाओ सेल्फ डिफेंस के लिए पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के जरिए तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और कॉलेज की तलबा और दीगर खातिन को ट्रेनिंग भी दी गई है। रिपोर्ट देखते हैं। एपेक्स कॉलेज ताजबाग में पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस के उनवान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में सदर पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन अनवर मोहियुद्दीन ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अनवर मोहियुद्दीन ने कहा कि सानिहा APS के बाद से हमारी एसोसिएशन ने बच्चों और खवातीन के सेल्फ डिफेंस पर काम किया। APS पिशावर का जो वाकया हुआ था, उसके बाद हमने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को अपना फोकस उन पे किया था। इस पे जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि खाली हाथ कैसे मुसल्ला दुश्मन के साथ निपटा जाए। सेमिनार में शरीक खवातीन ने कहा कि मौजूदा हालात में अपना बचाव लाजमी है। खवातीन को चाहिए कि खुद का बचाव करना सीखें ताकि आने वाले मुश्किल वक्त से बचा जा सके। सेल्फ डिफेंस मेरे अपनी प्रोटेक्शन के लिए और मेरा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत बेहतरीन मतलब टेक्निक्स हैं इसमें। हमारे प्रिंसिपल ने भी और हमारे कराटे इंस्ट्रक्टर ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमें समझाया और बहुत सारी ट्रेनिंग हमें दी है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रेज हुआ है इसके हवाले से, और अल्लाह ना करे अगर कुछ ऐसा हो तो हम उसको मुकाबला करने के काबिल हो गए हैं। सेमिनार में खवातीन को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई। फन्ने तामीर के हसीन इम्तिजाज की हामिल चौबुर्जी की बहाली का मनसूबा 4 बरस बाद भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। खुद में तारीख के शानदार दास्तान समोए इस इमारत और मनसूबे के बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं जुनैरिया रिपोर्ट में बता दी। मुगलिया दौर के ज़ेब-उन-निसा बाग का दाखली दरवाजा चुबुर्जी। सुर्ख ईंट से ये बनी इमारत मुनफरिद तर्जो तामीर की हामिल है। 4 मीनार और दिलकश नक्शो नगार इसके फन तामीर को मुमताज हैसियत बख्शते हैं। चुबुर्जी के कदीम खदोखाल बहाल करने का मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार है। जून 2016 में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट को 4 साल में भी मुकम्मल न किया जा सका। मंसूबे के तहत इस तारीखी इमारत की ताज़ीन और आराइश की जा रही है। मंसूबा शुरू करते वक्त 4 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया और ये 3 साल में मुकम्मल होना था। ताखीर के बाइस लागत 1 करोड़ रुपए बढ़ गई और तखमीना 5 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। सितंबर 2019 में काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया।
नाजिन चोबुर्जी की तजीन और आयश का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर रोड टूट फूट का शिकार है और शहरी परेशान है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरसों से सूबा पंजाब और खास तौर पर लाहौर के मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिली है। लाहौर और इसके मज़ाफ़ात के वासियों को अब चार की बजाय पांच मौसमों का सामना रहता है, और पांचवा मौसम है जी स्मोग का मौसम, जो हर साल शहरियों के लिए मसाइल में मजीद इजाफा कर देती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने आते ही स्मोग के साए लाहौर पर मंडलाने लगते हैं। पाकिस्तान में स्मोग के मसले ने 2015 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार की थी जब मौसम सरमा के आगाज से पहले लाहौर और पंजाब के बेशतर हिस्सों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया था, और ये ऐसी धुंध थी जिसमें ना तो सर्दी का कोई एलिमेंट था और ना ही किसी तरह का कोई भी जाज़बियत थी, बल्कि आंखों और गले में जलन ने लोगों की तवज्जो हासिल की और आवाम एक नए लफ्ज स्मोग से मुतारिफ हुए। नाजिन, स्मोग का लफ्ज पहली बार 1950 की दहाई में इस्तेमाल किया गया था, और दरअसल स्मोग धुएं और धुंध के मरकब को कहा जाता है। जब ये अज़ा मिलते हैं तो स्मोग पैदा हो जाती है, और इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन जैसे जहरीले मवाद शामिल होते हैं जो इब्तदाई तौर पर गले में खराश कर सकते हैं, नाक और आंखों में चुभन की वजह बन सकते हैं, और ये जहरीले मादे हवा की मदद से फेफड़ों में जाते हैं और दिल के निज़ाम पर असरअंदाज भी हो सकते हैं, जिससे मजीद बहुत सारी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, फेफड़ों के कैंसर हैं, सांस की बीमारियां हैं और नमूनिया समेत दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। पंजाब हुकूमत हर साल स्मोक की रोकथाम करने के हवाले से बुलंदोबांग दावे तो करती है, लेकिन स्मोक के खिलाफ मिशन में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। नाज़रीन, माहरीन सेहत के मुताबिक स्मोक की सबसे बड़ी वजह फजाई आलूदगी है, जिसमें ईंटों के भट्टे हैं, गाड़ियों और सनतों से निकलने वाला जहरीला धुआं शामिल है, और इस साल भी स्मोक के खतरे के पेश नज़र लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ईंटों के भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के चेयरमैन ने आज खुद भट्टे बंद करने की यकीन दहानी तो करवा दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक पर बरवक्त काबू ना पाने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, और तहरीरी हुक्म के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी, और स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम वसायल को इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस तमाम मामले पर आज हमने बात करनी है कि ये स्मोक कितनी खतरनाक होती है, और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी वजह क्या है स्मोक की। हमारे साथ मौजूद हैं जी हारून अकरम साहब, है माहिर माहौलियात, हैं इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हारून साहब, हमारा पाँचवा सीज़न स्मोक का आगाज़ होने जा रहा है और हम फिर से परेशान हैं। स्मोक मसला जब तक हम इसे हल नहीं करेंगे तब तक तो हमें परेशान इसके लिए होना पड़ेगा। अच्छा, हारून साहब, सबसे बड़ी रीजन क्या कहा जा सकता है? ये फैक्ट्रीज के धुएं हैं, भट्टे हैं, या हमारी ट्रैफिक है? सबसे बड़ी जो क्योंकि ये कार्बन मसला है, अब देखें ये सिर्फ बड़े शहरों में ज्यादातर आपको नजर आएगा या उन एरियाज में नजर आएगा जिनके इर्द गिर्द इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ा जो इसकी रीजन है वो तो हमारा इसको ख्याल ना करना है, हमारा ये जो जितने मैयर्स हैं ये ना लेना है। वो कोई नया मसला नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए आया है यहाँ पे, ये मतलब इंग्लैंड इसमें 1950s-60s में इससे नबरदाजमा हो चुका है, तब वहाँ पे कई हज़ार डेथ्स भी हुई थी इससे, और इसकी वजह से उन लोगों ने मैयर्स लिए। हम अगर ये जो इसके प्रिकॉशनरी मैयर्स हैं अगर हम ये लेते हैं, एहतियाती तदाबीर करते हैं इसे, तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। और इसकी जो बड़ी वजह है, चूँकि अर्बन इशू है इसलिए जो मोटर व्हीकल्स एमिशन है या फैक्ट्रीज एमिशन है, ये इसकी ज़्यादा बड़ी वजूहत में जो है वो गिने जाते हैं, और ईंटों के भट्टे भी इसमें आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चल रहा है वो पुराना पैटर्न चल रहा है भट्टों का। बिल्कुल अभी ऐसे तक है। वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की हम बात तो करते रहे तकरीबन पिछले कितने ही सालों से, लेकिन अभी तक महकमे माहौलियात कन्वर्ट नहीं करा सका नई टेक्नोलॉजी। अभी भी जो इस वक्त है जो गवर्नमेंट का, लाइक पिछले साल भी ये था कि साल के आखिर तक तमाम के तमाम करते रहे इस पे, तो अब भी यही है कि 31 दिसंबर 2020 की तारीख दी गई है कि सब भट्टे जो हैं वो इस पे चले जाएं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 16,000 जो है वो ईंटों के भट्टे जो मौजूद हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि या क्या ये वक्त है, ये मुनासिब वक्त है इस पे इकदाम करने का, या फिर जब हमने पिछले साल स्मोक को इतना हम उस पे बात करते रहे उसके बाद सारी गर्मियां इस पे काम होता कि भाई इस साल हमने स्मोक को
कुछ ना कुछ कंट्रोल करना है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि जब हमारा एक्चुअली इशू भी एक ये है ना कि जब कोई मसला हुआ हम लोग तमाम एज अ सोसाइटी इस पे आप देखें सेमिनार्स भी होने शुरू हो जाते हैं, फौरी तौर पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन जाता है। एग्जैक्टली इस तरह से इतना बुरा लगता है ना, कितनी बुरी फीलिंग आती है कि हम कितने गंदे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जहाँ पे मतलब मोटर व्हीकल्स की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 20 सालों का अगर हम डाटा लें ना तो पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं मोटर कार 650% 650% जो हैं उस वक्त से बढ़ गई हैं। और जो क्या उसे कहते हैं कि जो अगर हम इसे फिगर्स में लें तो अगर वो तादाद 2 मिलियन थी तो वो 12 मिलियन पे पहुंच गई है इस तरह से। और इसी तरह से मोटरसाइकिल्स ये रिक्शाज हमने ये चला ली है, मेट्रो भी, इवन लाहौर की अगर हम सिर्फ बात करें स्पेसिफिकली तो हमारे पास मेट्रो की वजह से कमी होनी चाहिए थी मौलियाती मसाइल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद से ये स्मोक का तो मसला ही तब से शुरू हुआ है। इसमें शायद ये भी रीज़न है कि जहाँ जहाँ पे हम दायरा कॉपी कर रहे हैं ये चीज़, जहाँ जिन मुल्कों में ये चीज़ मौजूद है रैपिड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है जिसे हम बस रैपिड ट्रांजिट कहते हैं, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे हम तो क्या करते हैं, पार्किंग का तो तसव्वुर ही कोई नहीं है। और इसमें जो है हम गाड़ियों वाले सफ़र करना पसंद ही नहीं करते हैं एक तो, और दूसरा ये कि जहाँ पे इसके स्टॉप्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे उधर रिक्शों की चिंगची रिक्शों की स्पेशली जो पोल्यूशन का लाहौर में पोल्यूशन का सबसे बड़ा जरिया चिंगची रिक्शा है क्योंकि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं जी हमारे बुनियादी मसले की और वो है जी महंगाई। महंगाई हर तरफ से महंगाई की आवाज़ आ रही है। नाज़रीन महंगाई का लफ्ज अब झुग्गियों कच्चे मकानों कोठियों महलात से निकलकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान-ए-बाला तक पहुंच गया है। हर जगह एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है जी महंगाई। अमीर हो या गरीब जिसे देखो एक ही दुहाई देता दिखाई दे रहा है। जब से तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है एक के बाद दूसरा बहरान सर उठा लेता है। कभी आटा महंगा तो कभी चीनी नायाब हो जाती है, कभी अद्वियात महंगी हो जाती हैं तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। अब तो आटा चीनी माफिया हुकूमती कंट्रोल से बिल्कुल बाहर दिखाई दे रहे हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह चुकी है। माफियाज का खात्मा करने के दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत माफियाज के आगे लगता तो ऐसे ही है कि बेबस हो गई है या फिर मजबूर होने लगी है। चीनी की कीमत को तो जैसे पड़ लग गए हों, 100 रुपये पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही और दुकानदारों की जानिब से मनपसंद रेट लगाए जा रहे हैं। 96 रुपये किलो भी मिलेगी, 100 रुपये किलो भी मिलेगी और 100 से ज़्यादा 105 रुपये किलो भी धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही है। दूसरी तरफ आटा बहरान से की कहानी सुन लीजिए एक बार फिर। अवाम को जकड़ेगी जी आटा बहरान की कहानी और महंगाई। कहीं किल्लत है कहीं मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है और फ्लोर मिल्स आटे की कीमत बढ़ाने पर बाजिद हो चुके हैं। चक्की मालिकान ने भी आटा महंगा कर दिया है। शहर में चक्की आटे की कीमत 66 रुपये किलो हो गई है जबकि चक्की मालिकान का कहना है कि गंदुम 2000 रुपये मन होगी तो फिर आटा तो महंगा होना एक फितरी सामल बन जाएगा। चक्की आटा दस्तयाब तो है लेकिन फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे के थैले की किल्लत बरकरार है। जहां पर भी आटा दस्तयाब है वहां दुकानदार मनमानी कीमत वसूल करते हैं जबकि 2 हफ्ते कबल 825 रुपये में फरोख्त होने वाला 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये तक फरोख्त हो रहा है और पहले ही जिंदगी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुश्किल है। दो वक्त की रूखी सूखी रोटी खाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बात करेंगे जो नुमाइंदा लाहौर न्यूज जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद आबिद बताइएगा महंगाई को ब्रेक लगने वाली है या नहीं, क्या आई है खबर? जी ऐसी तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि ब्रेक लगे या इसमें कोई इसका गैर ही कम हो जाए। जो सूरत इससे देखी जा रही है उसमें आटा चीनी की वही सूरत है बदस्तूर के आटा कहीं दस्तयाब है कहीं नहीं दस्तयाब। चीनी जो है वो 100 रुपये किलो पर ठहरी हुई है और उसकी कीमत कम होने में नहीं आ रही। जो आटे का सरकारी रेट 860 रुपये 20 किलो मुकर्रर किया गया है वो रेट जरूर मुकर्रर है लेकिन उसकी शर्त यही है कि आटा दस्तयाब हो। तो आटे के जो ज्यादातर लोगों का इस वक्त इनसार है या तो चक्की के देसी आटे पर है या फिर फ्लोर मिल्स की जानब से 80 किलो की बोरी फराम की जा रही है जिसे सुर्ख आटा कहते हैं वो तकरीबन 60 से 65 रुपये प्रति किलो अवाम खरीद रहे हैं जबकि फाइन आटा जो है 80 रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं और चक्की देसी आटा जो है वो 76 रुपये उसका रेट है और वो तकरीबन उसी पर इस वक्त अवाम को
आटा दस्तियाब है। तो आटे चीनी की ये सूरत हाल है जिसमें आवाम यकीनन गुज़श्ता कई माह से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी सप्लाई बेहतर हो या इसकी कीमत में कमी हो। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मार्केट की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। और अब तो बाकायदा तौर पर सरकार की जानिब से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आटे की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी ताकि मार्केट को थोड़ा स्टेबल किया जा सके। नाज़रीन यहां पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरा इक्तदार में आई है उनकी कारकर्दगी के हवाले से मुसलसल सवाल आते उठ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसीम अकरम प्लस जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो खुद तो कम बोलते हैं लेकिन उनके काम बोलेंगे, उनके शुरू किए गए मंसूबे बोलेंगे। अभी तक तो खैर शहर में कोई एक भी तरह के आती मंसूबा बुज़दार सरकार अपने नाम ना कर सकी, जबकि सरकार ने लाहौर शहर में मजीद 6 मेगा तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी है जिसमें मेन मार्केट गोल चक्कर पर पब्लिक थिएटर बनेगा, दाता दरबार अपलिफ्टिंग प्रोग्राम शामिल है और इसके साथ साथ दीगर मंसूबे भी हैं। मेगा तरक्याती स्कीमों पर मजमूई तौर पर कहा यह जा रहा है जी 43,86,00,000 रुपये लागत आएगी। और एक जानब तो उस्मान बुज़दार यक्के बाद दीगर मंसूबों का ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं मगर दूसरी जानब पहले से जारी मंसूबों तातुल का शिकार है। वो मंसूबे जिन्होंने उनकी कारकर्दगी के किस्से सुनाने थे वो चीख चीख कर नाहली की दास्तानें बयान कर रहे हैं। बुज़दार हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में तरजीही बुनियादों पर शुरू किया गया फिरदौस माह की टेंडर पास मंसूबे पर काम डेडलाइन गुजरने के बावजूद पाया तकमील तक अभी तक नहीं पहुंच सका और फिरदौस माह की टेंडर पास मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए वजीर आला साहब ने 90 रोज की डेडलाइन दी थी और मंसूबा तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का दावा भी किया था। नाज़रीन इस मंसूबे का संगे बुनियाद वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से 18 मई को रखा जाता है और जून में काम का आगाज हो जाता है जिसकी तकमील के हवाले से 6 सितंबर की डेडलाइन दी जाती है, फिर 15 सितंबर की डेडलाइन आती है लेकिन तमाम डेडलाइंस गुजर गई, अभी तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और अभी भी काम जारी है। तामीराती काम के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में दिक्कत का सामना है, इलाका मकीन सर पकड़े बैठे हैं कि रास्ता ना होने के सबब ज्यादा सफर तय करके उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। सवाल अब ये है कि आखिर ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा और ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं है जो लाहौरियों के गले पड़ गया है। इस तरह का हाल एक मोरिया पुल के तामीर नो और तौसी मंसूबे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यही हाल है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 70 करोड़ की खतीर रकम से शुरू होने वाला मंसूबा जिसे अप्रैल 2018 में मुकम्मल होना था अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। आखिर ये मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, लाहौरियों की मुश्किलात कब कम होंगी, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक। इमरान प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो आप स्टोरी लाए थे उसके साथ हमने कुछ और स्टोरीज भी लिंक की हैं। आपने तो हमें खुशखबरी सुनाई कि कुछ और मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं लेकिन जो पिछले हैं उनका क्या कसूर है, उनका क्या बनेगा? सबसे पहले तो मैं सिद्रा मीर आपको कहूंगा घबराना नहीं है, ये काम सारे हो जाएंगे, बस यही करना है हमें। घबराना नहीं है, वो इसलिए कि खुशखबरी भी साथ साथ आपकी चलेगी और काम भी आपके साथ साथ ही चलेंगे। अब हम उस सिचुएशन पे हैं कि अब खुशखबरी से पेट नहीं भर रहा। देखिए मैंने आपके इंट्रो में ये भी सुना है कि चीख चीख कर ये दास्तान सुना रहे हैं, तो अब घबराना नहीं है, वो इसलिए कि आपके शहर में कूड़े का मसला भी हल हो गया है कोई 20-22 दिन बाद, मगर कूड़ा उठाया नहीं और गया, महंगाई तो बिल्कुल कंट्रोल हो गई, मगर कूड़ा उठाया नहीं गया, महंगाई बिल्कुल कंट्रोल हो गई, महंगाई भी कंट्रोल हो गया, आटा जो है वो 860 रुपए का थैला मिल रहा है और इसके साथ चीनी भी मिल रही है, दस्तयाब है कि लोग दुकानदार मिलते कर रहे हैं कि भाई जी आखिर खुला आटा पर केजी जो है वो 43 रुपए भी ले जो, मगर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तरक्याती स्कीमें जो हैं वो एक इजलास होता है कबीना का और उसके बाद जो परसों एक इजलास हुआ वजीर अला पंजाब का, तो उसके बाद ये स्कीमों की बात की गई, उनको प्रेजेंटेशन दी गई, उनके सामने तमाम स्कीमें जो हैं वो रखी गई। और सबसे पहले तो मैं शहरियों को ये बताऊंगा कि आपके शहर लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला जो है वो पब्लिक थिएटर बनाया जा रहा है मेन मार्केट उरीगा सेंटर के बैक साइड पर गोल चक्कर पर, और अगर ये बन जाता है
तो ये इसको देखने के लिए ये सिदरा आप भी जाएंगी, मैं भी जाऊंगा, वो इसलिए कि वहां पर ये पब्लिक थिएटर बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये कोई अल्लाह करे कि वहां पर, अगर अल्लाह करे कि वहां पर बन जाए और फिर कोई ऐसा माहौल हो जाए कि मैं आराम से वहां जा सकूं या फिर खवातीन जा सके। जी बिल्कुल, अमूमन ऐसा नहीं होता। और अमूमन ऐसा नहीं होता। और इसी तरह जो है शहर लाहौर के और भी मनसूबा जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा गहरी नजर जो है वो दाता दरबार के अपलिफ्टिंग प्रोग्राम के ऊपर है। इसका फसाद जो है सामने वाला हिस्सा जो है बिरूनी हिस्सा उसको तब्दील करना है, इसमें आरसीसी वॉल लगनी है, इसमें स्कैनर लगे हैं जिस तरह एयरपोर्ट पे लगते हैं बैगेज स्कैनर्स, और इसके साथ साथ तमाम जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी उनको मजीद ज़्यादा करना है, और जितने भी एंट्रेंस और जो एग्जिट गेट हैं उनका तमाम तरीका जो ढांचा वो तब्दील करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने सुनी थी पास बैठे हुए कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ुल्कार घुमन साहब से, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है और मैं ये करवा के रहूँगा कि ज़ायरीन आए और वो लिफ्ट के ज़रिए जो है वो वहाँ पे हज़रत अली हजवेरी के मज़ार के पास पास पहुँचें और वहाँ से जो है वो अपनी दुआ करें और वहीं से लिफ्ट के ज़रिए वापस आ जाएं। अब ये सारी सूरत हाल तो अभी तक जो इस तरह से है वर्किंग पेपर में है और इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है, 90 दिन में इसको मुकम्मल किया जाएगा। अब काम कल शुरू होता है, परसों शुरू होता है, जैसे ही ये घड़ी की टिक टिक शुरू होगी तो वो 90 दिन शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, अब 6 मेगा तरक्याती मंसूबों का हुआ है ऐलान, जिम्मेदारी किसकी है बुनियादी? जी जी बिल्कुल, कल एक मीटिंग ली कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने, चूंकि वज़ीरे आला पंजाब के बाद कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने इन सब कामों पर मीटिंग ली है जिसमें जो पैसा लगाया जाएगा, जिनके फंड्स लगाए जाएंगे इन 44 करोड़ पे के, वो कॉरपोरेशन की तरफ से, बल्दिया उज़्मा लाहौर की तरफ से लगाए जाएंगे और इन्हीं की तरफ से जो है वो तमाम तर जो है कॉन्ट्रैक्टर दिए जाएंगे, अलाइड महकमे साथ होंगे। जैसा मैं आपको एक छोटा सा इसके बता देता हूँ, आपका ये शिमला हिल है और यहाँ पर जो है जो डेवस रोड आ रहा है इसकी दो रवैया सड़कें की जाएंगी शिमला हिल के दोनों तरफ, अब आने जाने की भी और इधर से भी आने जाने की, और आपका जो ये शिमला हिल का जो पेट्रोल इमरान मलिक, ये बड़ा पुराना मंसूबा है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। कोविड-19 आ गया था ना 6 महीने, तो वो उसकी वजह से काम बंद रहा, मगर ये फरवरी में इन्होंने किया था जिक्र, मगर वो जिक्र हो गया और खत्म हो गया। अब दोबारा से ये जिक्र हुआ है वज़ीरे आला पंजाब के आगे, डेडलाइन यही है कि उन्होंने कहा 90 दिन में काम मुकम्मल करें, जिस दिन काम स्टार्ट होगा। क्या मतलब 90 दिन में सारा शहर एक ही बार में खोद के रख दें? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जी काम नहीं करते, अगर वो काम करने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं सारा, देखिए शहर तो खुदेगा, ट्रैफिक भी जाम होगी, शिमला भारी को अगर करके या फिर सब इकट्ठे, मेरा ख्याल है कि इसको टर्न में लेकर चलेंगे कि दो काम इकट्ठे शुरू कर लेंगे, एक तो दादा दरबार की वजह से तो सड़क बंद नहीं होनी, ठीक है, वो तो उनका तमाम जो। चलिए इमरान, इस पर मजीद भी हम डिस्कशन करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जाए सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हैं, चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हैं, आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली अब्बास साहब, हमें ये बताइए कि 6 मनसूबों का ऐलान तो हो गया है, अब इन पे काम का आगाज कब से होने जा रहा है? ये इनका हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और बहुत जल्द बाय द एंड ऑफ दिस वीक नेक्स्ट वीक इसकी हम इनॉग्रल सेरेमनीज करके काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक सर, सबसे पहले कौन से मंसूबे पे काम होगा, 6 है ना या फिर 6 के 6 एक ही बार काम का आगाज हो जाए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, साइमल्टेनियसली होगा। दो मंसूबे तो ऐसे हैं जिन पे फौरी करेंगे, एक सर्कुलर रोड का और उसके साथ ही दादा साहब की वाइडनिंग और ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, वो हम फौरी तौर पे करेंगे साथ। ठीक अब्बास साहब, हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से महकमे हैं इसमें जो आपके साथ रहेंगे और क्या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मामला तय पा गए हैं या फिर अभी पाने हैं? नहीं नहीं, ये हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला तो नहीं, जो हमारा प्रोसेस है कानूनी तौर पे लेड डाउन है ऑर्डिनेंस में, उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए है और बकायदा प्री क्वालिफिकेशन और नेस्पा को इसमें हमने पूरी दी है कि वो इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी, वो सारा मामला तय हो गया है और उसमें बल्कि लो दी कॉस्ट पे ये प्रोजेक्ट दिया गया है और फर्दर भी इस पे डेली मॉनिटरिंग होगी। एसी सिटी को डायरेक्शन दी गई है कि वो डेली बेसिस पे इसको चेक भी करेंगे और वहाँ कैंप ऑपरेशन बनेगा हमारा। सर, कोई डेडलाइन मिली है वज़ीरे आला साहब की जानिब से आपको कि इतना टाइम फ्रेम है? जी बेसिकली इसका टाइम फ्रेम 6 मंथ्स है, लेकिन कल कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग चेयर की है और चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन से इसको 3 माह की मदद में मुकम्मल किया जाएगा और इससे 30 फुट जो दाता साहब के आगे सड़क है वो चौड़ी हो जाएगी और लोगों को आसानी होगी। इसके साथ साथ बताता चलूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 2 सालों से दाता साहब की बेसमेंट की कार पार्किंग बंद थी
वो कमिश्नर साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसको खुलवा रहे हैं और वहाँ 250 गाड़ियों की पार्किंग है जिससे और भी मसाइल में हल होने में बहुत मदद हासिल होगी। इमरान हमें ये बताइए कि ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल करके जो हमारे शहर के पैच वर्क हैं या फिर जो टूटी फूटी सड़कें हैं हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगनी है इस बारे में भी बात की गई थी कि ये भी अब तरजीही बुनियादों पर होंगे। कल से यही हो रहा है कि तमाम दर जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर को साथ दी गई है। कोऑर्डिनेशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, जहाँ पे पैचवर्क लगाना होगा वो लगाएंगे, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट का मसला होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर निशानदेही करेंगे। ये एक पूरा एक ना उन्होंने हायरार्की बना दी है कमिश्नर रोड डिवीजन ने कि किसी से कोई मुझे गिला नहीं आना चाहिए। कोई शहरी मेरे कमरे में अंदर आके ये ना कहे जी मेरी फलां रोड पे शहर लाइट बंद है, मेन रोड की भी कोई लाइट बंद होती है। चले कोई मान लिया रूरल इलाके में कोई 200-300 जो इलाके हैं रूरल इलाके छोटे छोटे इलाके वहां पे लाइटें तो बंद होने का चले मान लेते हैं, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती मगर मेन रोडों पे लाइट नहीं बंद होती। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो भी अब जिम्मेदारी होगी उसका जिसका जो अफसर होगा उससे पूछगिछ हो जाएगी। अली अब्बास साहब दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं, पूछ रहे थे आप उनसे। जी अली भाई ये मैं पूछ रहा था आपसे कि अब जो ये मंसूबों का ऐलान तो कर दिया गया है 90 डेज की डेडलाइन तो मिल गई है मगर ये अब शुरू कब करवाए जाएंगे, किस तरीके से करवाए जाएंगे, क्या इसके लिए फिर दोबारा से मीटिंग रखी जाएगी, क्या इसके लिए दोबारा से कोई इजाजत लेना जरूरी है? नहीं सर नहीं ऐसे नहीं है, इसकी इजाजत हो गई है, इसकी अप्रूवल्स भी हो गई है, इसका प्रोसेस कंप्लीट है, अब तो ये स्टार्ट करना है हमने काम और ये बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। कल की मीटिंग में प्लान भी बन गया और चीफ इंजीनियर और नस्पाक और टीपा पे मुश्तमिल कमेटी भी बन गई जो इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करेगी, इसका बाकायदा कैलेंडर बनेगा जो आपको भी देंगे और बताएंगे। जहां तक दूसरी बात हो रही थी पहले मैं सुन रहा था कि रोड उखाड़ भी देंगी और शहर के लिए प्रॉब्लम होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी हम उसको बड़ा प्लान कर रहे हैं और एक साइड चलाएंगे सर्कुलर रोड की और एक साइड बंद होगी और उसमें भी हमेशा आप कहते हैं कि एक इदारा बना के जाता है फिर दूसरा इदारा उखाड़ने आ जाता है, तो अब ये भी नहीं कर रहे, अब हम तमाम इदारों से पहले सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं कि वो हमें सर्टिफिकेट्स देंगे कि अगर उन्होंने कोई काम करना है तो इस सड़क बनने के बाद वो नहीं कर सकेंगे, वो अभी करेंगे। और प्लस स्टॉर्म वाटर की ड्रेनेज सिस्टम भी उसमें बनाया जा रहा है ताकि कल को पानी का इश्यू भी ना हो। ठीक अली अब्बास साहब हमें ये बताइएगा कि आपने कहा कि इब्तदाई तौर पर सर्कुलर रोड मंसूबा और दाता दरमार मंसूबे पर ताज़ीन और आयश का काम होगा, ये 3 माह और 6 माह की जो आप डेडलाइन बता रहे हैं ये इन 2 मंसूबों के लिए है या फिर 6 के 6 मंसूबों के लिए? ये बाकी मंसूबों की अपनी अपनी टाइमलाइन है, वो उसके मुताबिक होंगे। सर्कुलर रोड का भी 3 माह के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा और ये रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगा और ये फिर एक मोरिया पुल से टर्न लेता हुआ भाटी तक पहुंचेगा। ये पूरी रोड की साइनेज है, लेन मार्किंग है, सीवरेज है, फिर इसमें कई जगहों पे पीसीसी हो रही है, ये सारे काम इसमें शामिल है। ये बड़ा डिटेल प्रोजेक्ट है और ये इमरान साहब बैठे हैं, ये इसको पहले ब्रेक भी कर चुके हैं। ठीक जी इमरान जी, अली साहब ये बताइएगा कि जो आपका शिमला हिल है काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे लाइट्स के प्रॉब्लम भी हैं, यहाँ पर जो इसके साथ ही जो एबट रोड है तमाम दर जो जो यहाँ पे ट्रैफिक आती है वो शिमला हिल चौक की तरफ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आपने 6 माह पहले एक मंसूबे का ऐलान किया था कि इसकी 2 रवैया सड़कें होंगी और यहाँ से जो लोगों की आसानी के लिए ट्रैफिक के मसाइल को देखते हुए ये सारा कुछ किया जाएगा, अभी तक इस मंसूबे को हमने कोई 6-7 माह पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं मंजूरी हो गई है, ये कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा क्योंकि ये आपके लाहौर का मेन आर्टरी है जो शुमाली लाहौर भी यहाँ पे आता है, आपका जनूबी लाहौर भी इधर से आता है और तमाम लोग यहीं से कट होके जाते हैं। ये बिल्कुल अप्रूव्ड है और फाइनल स्टेजेस में है, बस इसकी नेक्स्ट मीटिंग में अप्रूवल हो जानी और फिर इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़ा अहम मनसूबा है, इसमें 2 लेन आ रही है और इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स को भी रिमूव कर रहे हैं प्रेस क्लब के, और उससे पहले जब आप आते हैं डेविस रोड की तरफ से तो बहुत ज्यादा क्योस होता है, स्पेशली जब स्कूल में छुट्टी का टाइम होता है, तो ये इस सारी चीजों को केटर किया जाएगा और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल किया जाएगा और एंड में ऑन द लेंटर बोर्ड आप लोग भी अपने ऑफिस बड़ी आसानी से आ सकेंगे। अली अब्बास साहब अब हमें ये बताइए कि तरक्याती मंसूबों की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन देखने वालों के जहन में मुसलसल एक ही सवाल है, उनके गली मोहल्लों की टूटी सड़कें कब ठीक होंगी, उनके गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स कब लगेंगी, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो कब हल होंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, देखें इसमें ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रोड्स की स्ट्रीट लाइट्स हमें मिली है
और कोई बसीदा स्ट्रक्चर भी है, उसको सारे को पूरी नंबरिंग हो गई है। अब प्रॉब्लम आ रही है मटेरियल की, अब वो मटेरियल प्रोक्योर किया जा रहा है और चंद माह के अंदर ही उन तमाम लाइट्स को बिल्कुल रिस्टोर किया जाएगा। ऑलरेडी हम 66 से 85% पे मेन रोड्स पे आ चुके हैं और इसको हमारी कोशिश है कि 100% तक लेके जाएंगे। और जहाँ तक छोटी गलियां और स्ट्रीट्स हैं जहाँ पब्लिक का ज्यादा इंटरेक्शन है, उन सारों को भी अगले एक माह का टारगेट लिया है जिसमें पूरे लाहौर को रोशन किया जाएगा। अच्छा, मैं अली साहब की बातें सुनकर और ये जो हमने ही खबर ब्रेक की है, जारी बात हमें आई तो हमने की है, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह जो है वो आज से काम शुरू हो गया और मसला ही कोई नहीं है। और ये भी ऐसा लगता है कि वाकई घबराना नहीं है और हम कह रहे हैं कि हमें घबराने दें, मगर हमें तसल्लियां जो है मिल रही हैं। मगर चूंकि अली अब्बास बुखारी साहब खुद साथ हैं, अली साहब ये बताइएगा कि 2-2.5 लाख आपकी लाइट लगी हुई है और कल कमिश्नर साहब के पास भी आपकी ये प्रेजेंटेशन हुई है और 70% लाहौर जो है वो रोशन है, मगर आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ही जो है वो 30% लाहौर जो है रोशन नहीं है, तो इसमें ये नहीं लगता कि 30% वालों का क्या कसूर है और 70% वालों का ये समझते हैं कि जी हमारा शहर रोशन है और 30% जो लाहौर जो है रोशन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये लाइट्स बंद हैं, किसका कसूर है, क्यों बंद रही हैं, क्या वजह हुई है? बिल्कुल उनका हक है और चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा है और अब तो वो डेली खुद इंस्पेक्शन करते हैं, खुद बाहर होते हैं, तो ये बहुत जल्द रोशन हो रही है। सर देखें, इसके लिए प्रोक्योरमेंट और मटेरियल है, ये उसके साथ लगा के सामान लेके लेने हैं, वो उसका एक प्रोसेस होता है टेंडरिंग का, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उसको फिर जायज और कानूनी तरीके से परचेज करके जो इसमें अप्रूव्ड कंपनीज हैं उनसे लेके इसको लगाया जाएगा और इसको बहुत जल्द रोशन कर दिया जाएगा। ठीक अली अब्बास साहब, अब मुझे ये बताइए कि बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं आपकी जानिब से, मेन मार्केट गोल चक्कर पर एक पब्लिक थिएटर बनने जा रहा है, सर ये बताइएगा ये मंसूबे की डिटेल्स क्या है, ये मंसूबा कहाँ से आया है, कौन सा ऐसा मॉडल है किसी भी दुनिया के मुल्क का जिसको हम फॉलो करके उसके तहत ये मंसूबा बना रहे हैं? देखें, ये लाहौर की एक बहुत ही खूबसूरत मंसूबा है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप अपने घर में टीवी लाउंज में बैठे होते हैं और आप सबसे ज्यादा रिलैक्स होकर एंजॉय करते हैं, तो ये वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट टाइम इन द सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर में हम ला रहे हैं कि जो हमारी आम आवाम है वो एक पब्लिक टीवी लाउंज पब्लिक थिएटर में आके बैठेगी ओपनली और वो इसको चारों तरफ से एंजॉय करेगी। इसमें 4 स्क्रीन्स आ रही हैं, इसके आगे स्टेज आ रहा है, प्लस इसमें हमें लोकल बिजनेसमैन ने वहां के ट्रेडर्स ने बहुत तावन किया, 2 दिन के लिए ये रोड बंद की जाएगी और उसमें हम पेडेस्ट्रियन वॉकिंग लाएंगे, लोग गाड़ियों के आगे 150 गाड़ियों की हम पार्किंग डेवलप कर रहे हैं, गोल्फ कार्ट्स ला रहे हैं और यहाँ म्यूजिक फंक्शन और दूसरे शोज, कोई शेर व शायरी, कोई किताब की बात, ये सारी हुआ करेंगी और लोग इसको मजीद एंजॉय भी करेंगे, प्लस उसके सराउंडिंग एरिया को फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल एक अनोखा होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा कि लोग वहाँ बैठ के अपने घर के टीवी लाउंज के मजे लेंगे। अली अब्बास साहब, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन बीइंग अ फीमेल मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या वहाँ पर ऐसा माहौल होगा, क्योंकि मैं इस वक्त सारी खवातीन की नुमाइंदगी कर रही हूँ, कि लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा प्रोजेक्ट लाने तो जा रहे हैं लेकिन क्या वहां पर ऐसा माहौल होगा कि हम भी आसानी से वहां जा सकेंगे, हम भी अपनी फैमिलीज के साथ आसानी से वहां जा सकेंगे, या फिर ये भी जो है वो बस कुछ लोगों के लिए मस्कन बन के रह जाएगा? एक और सेकंड इसी का सवाल है अली भाई, एक और सेकंड सवाल है इसका कि सिदरा के कहने का मकसद यह है कि पेडेस्ट्रियन राइड्स जो होते हैं शहरियों के, वो उनको क्या वहाँ पे मिल जाएंगे, क्या तजावजात और जगह जगह पे लोग वैसे ही बैठे होंगे, इतना खूबसूरत एक तरफ मंजर होगा और उससे पहले तमाम लोग उन दोबारा उन चीज़ों से ख्वार होकर वहाँ पे पहुँचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा और तमाम रोड को भी खूबसूरत किया जाएगा और जहाँ तक इन्होंने बात की है एथिक्स जो है वो तो सबसे पहले है और उस डिसिप्लिन भी होगा, कोई कॉम भी तरक्की नहीं करती है जहाँ डिसिप्लिन और लॉ की इन्फोर्समेंट ना हो, तो इसकी बकायदा की जाएगी, इसमें डिविजनल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है और बकायदा वहाँ इस मंसूबे की बाद में हम इसका ख्याल भी करेंगे और वहाँ इन तमाम चीज़ों को चेटर करेंगे वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अब्बास बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, यकीन दहानी तो उन्होंने कराई है। इमरान मलिक, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट लाए जाते हैं ना तो वो बहुत सारे कुछ लोगों के लिए बनकर रह जाते हैं और जो स्पेशली फैमिलीज हैं वो फिर कतराती हैं इस तरह की जगहों पे जाने के लिए कि माहौल ही ऐसा नहीं है।
आप बिलीव करें, मैं तो एक तो वर्चुअली इस वक्त जब वो बोल रहे थे और आप बोल रही हैं कि पब्लिक थिएटर होगा, तो मैं वर्चुअली वहां पे पहुंच जाता हूं। ठीक। और चूंकि हमने मैं भी पहुंची थी, लेकिन मैंने वहां पर जो नजारे देखे वो वही देखे जो हमारे फरवरी में जाकर, ये हमने ये भी मंसूबा फरवरी में ही दिखाया था, मगर कोविड-19 बदकिस्मती से आ गया था, तो इस वजह से हम जो है खामोश हो गए थे। मैंने जब वो मेन मार्केट के गोल चक्कर पे पहुंचा, तो मैंने वैसे ही सोचा कि जिस तरह से मेरे पास कागज़ थे कि यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, लॉन्च बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं और अपने काम देख रहे हैं, और सामने जो है वो बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स लगी हुई हैं, टीवी लगे हुए हैं और लोग आराम से बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, ये है कि इससे आगे भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो इर्द गिर्द का इलाका है वो फूड आइटम्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, और इनका अगला जो प्रोग्राम ये है कि वहाँ पे फूड स्ट्रीट को कोई लॉन्च करेंगे ये, मगर पहले ये तो बना लें। अच्छा इमरान, अच्छा, चले ये तो जब बनेगा तब इसकी बात करेंगे, लेकिन लाहौर शहर में जो बेचारे जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनका क्या कसूर है, वो क्यों नहीं पाया तक मील तक पहुँच पा रहे? सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि पहले तो मुझे बताएं कि जारी तरक्याती मंसूबे हैं कौन से। सिर्फ एक ही फरदोस मार्केट का वो अंडरपास है जो मैं तकरीबन कोई 50 लाख खबर लग चुकी है उसकी, वाला भी बेचारा जारी, एक मोरिया पुल भी 2 साल से शुरू हुआ है, इसकी भी कोई 50,02,299 खबरें लग चुकी हैं, और ये इस तरह के मंसूबे होते हैं कि मेरी समझ से बाहर है कि जो लोग ये बनाते हैं या जो लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जो लोग इसको जारी करते हैं, उनकी क्या डेडलाइन होती है, उनके क्या पेपर रूल्स होते हैं, उनकी क्या कानून उनके ऊपर क्या लागू होता है, कोई प्लंटी डालते हैं, या जिसने ये काम जारी करने का हुक्म दिया उसको कोई प्लंटी डाली क्या, उससे कोई पूछने वाला है भी या नहीं है कि वो हर दफा इसकी तुसी के लिए जाता है और जाकर कहीं नई मंतक पेश करता है। अब ये मंतक जो हमारे सामने आई है इस मनसूबे की कि अंडरपास अब फिर काम रुक गया है, क्या हुआ जी, सुसरभी का शिकार हो गया, वजह क्या हुई है जी, वहां पे कोई ड्रेन का मसला पड़ गया, लोगों के पानी का मसला पड़ गया, वो कहां पे जाएगा जी, अब वासा की जिम्मेदारी। अब ये देखिए कि ये सारी सूरत हाल क्या पहले नहीं देखी जाती, अब इनको क्या अब पहले पता नहीं था कि ये अंडरपास बनाना है, कमी है, फुकदान है, तमाम बहुत ज्यादा फुकदान है इसकी। मैं आपको ना अभी वाजिया मिसाल ना कोड वर्ड में दूंगा, क्योंकि इस तरह मुझसे ना अफसरान नाराज हो जाते हैं बाद में कि आप सच बोल देते हैं और आप हमारी मीटिंग्स में भी बैठते हैं आकर। अब मैं एक ना जो है आज से 12 दिन पहले ना मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक बड़ी मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहां पे ना एक सर सब्जो शदाब करने वाले अफसर बैठे हुए थे शहर लाहौर के, तो उन्होंने ना एक अफसर ने उनको कहा कि जी आप मीटिंग शुरू करें, तो उन्होंने कहा जी हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया, उन्होंने कहा जी चलें शुरू करें, उन्होंने कहा जी प्रेजेंटेशन शुरू करें, उन्होंने कहा जी हमें प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बुलाया गया, हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने कहा जी फिर इस मीटिंग का जो बड़े अफसर थे उन्होंने कहा जी इस मीटिंग का मकसद क्या है, उन्होंने कहा जी हमें तो बस ये कहा गया था कि आपने बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इसलिए बुलाया कि आप प्रेजेंटेशन देंगे, तो उन्होंने कहा जी फिर आप इस तरह करें कि आप मंडे को आ जाएं, अब मंडे को आ जाएं इसका मतलब है 3 दिन फिर, अब वो छोटे जो इदारा उसके अफसर हैं वो बड़े इदारे के अफसर हैं, तो वो उनको इस तरह से जवाब दे रहे हैं कि मैं खुद रियलाइज कर रहा था कि ये काम नहीं होना, नहीं निभनी, ये इसी तरह लगे रहना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खला है सिरा बल्दियाती इदारे, बल्दियाती इदारे जब तक आपके नहीं ऑन होंगे, जब तक आपके फाल नहीं होंगे, अफसर शाही खेलते रहेंगे और इस तरह ठंडे कमरों में बैठ के लंबी लंबी मीटिंग्स, लंबे लंबे भाषण, 3-3, 4-4 घंटे के भाषण, अभी तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, मैच शुरू होने लगा था। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन पर भी हमने बात की है, लेकिन यकीनी तौर पर हम तो नहीं भूलेंगे कि लाहौर के कितने प्रोजेक्ट जारी हैं जो लोगों के लिए मसाल का सामना कर रहे हैं, लोगों के लिए मसाल बन रहे हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जा रहा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और खबर अब मुझे आप तक पहुंचानी है जी खेल के मैदान से, और जहां पर दोबारा से रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, और खासतौर पर हमारे क्रिकेट के मैदान इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान दोबारा से लौट रही है कोविड-19 के बाद। अभी खबर मेरे पास ये है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है और शाहीनों के साथ मुकाबला करेगी। क्या डिटेल्स है इसके हवाले से बात कर लेते हैं जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल वकील हमारे साथ मौजूद है। बिलाल बताइएगा, अच्छी खबर है जी क्रिकेट शायकीन के लिए, हतमी फैसला हो गया कि टीम कब तक आएगी?
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। हतमी फैसला जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो कर दिया गया है। जब जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हुकूमत ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया दौरा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान दूसरा मेजबान मुल्क होगा जो कि वनडे और T20 सीरीज जो है वो अपने मुल्क में अरेंज कर रहा है। और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। और इस दफा क्योंकि ये जो मैचेस हैं ये बंद दरवाजों में खेले जाएंगे, तो इस दफा जो दो वेन्यूज ऐसे रखे गए हैं जहां पे काफी अरसे से बैन अल-अक़वामी क्रिकेट जो है वो बहाल नहीं हो रही थी, जिसमें एक मुल्तान है जहां पर 3 जो है वो वनडे मैचेस खेले जाएंगे, और रावलपिंडी जहां पर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तो वनडे सीरीज का आगाज जो है वो 30 अक्टूबर से होगा और 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को दूसरा और तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। उसके बाद T20 सीरीज की बात करें तो 7, 8 और 10 नवंबर को T20 सीरीज जो है वो मुनक्किद होगी। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो तैयारियों का भी आगाज कर दिए, क्योंकि अगर देखा जाए बिलाल हमें ये बताइए कि COVID-19 है, बंद दरवाजों में क्रिकेट होगी, प्लेयर्स के लिए क्या खास हिदायत जारी की गई हैं, कौन से SOPs हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और बायो सिक्योर बबल बनाने के हवाले से भी बात हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब मुल्तान में नेशनल T20 कप जो है वो होने जा रहा है, तो वहां पर मुल्तान और रावलपिंडी, इसी तरह जिम्बाब्वे सीरीज भी मुल्तान और रावलपिंडी में ही खेली जानी है, तो बायो सिक्योर बबल जो है वो पहले से ही वहां पर बना दिया गया है। और खिलाड़ियों के लिए जो SOPs बनाई गई हैं उसमें जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी हैं वो अपना जिम्बाब्वे से पहला COVID-19 टेस्ट मनफी आने पर जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रेवल करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान पहुंचने पर टीम का दोबारा से COVID-19 टेस्ट किया जाएगा, और अगर जिन खिलाड़ियों के जो है वो मनफी आएंगे वो उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले सकेंगे। और 20 अक्टूबर को जिम्बाब्वे की टीम जो है वो हरारे से पाकिस्तान पहुंचेगी, और उसके बाद जो है वो इनको मुल्तान लेकर जाया जाएगा जहां पर मुल्तान के बायो सिक्योर बबल में जो है वो खिलाड़ी वहां पर रहेंगे। बिलाल अब हमें ये बताइए कि शाहीनों की जानिब से क्या तैयारी की जा रही है, शाहीनों के कैंप का आगाज कब से होने जा रहा है, क्योंकि ये अहम दौरा होगा। जी बिल्कुल, दौरा तो काफी अहम है लेकिन शाहीनों का कैंप जो है उसके बारे में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कोई तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन जो नेशनल T20 कप होने जा रहा है वो खिलाड़ियों के लिए काफी फायदा मंद होगा, क्योंकि नेशनल T20 कप भी उन्हीं दो ग्राउंड में हो रहा है जहां पर जिम्बाब्वे की सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 30 अक्टूबर से जो है वो 30 सितंबर से ये इधर मुल्तान में हो रहा है, तो वहां पर खिलाड़ियों के लिए बायो सिक्योर बबल। बहुत शुक्रिया बिलाल अकील, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान के मेहमान बनने को तैयार है, इस हवाले से भी आपने बताया, और खास तौर पर जो नेशनल T20 का आगाज होने जा रहा है उस हवाले से हमारे शाहीन खास से पुरजोश है। नाज़रीन मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।